ट्रेडर्स द्वारा 22 सितंबर को जम्मू बंद की कॉल दी गई है, जिसमें रिलायंस के जो 100 स्टोर्स खुलने जा रहे हैं उसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। ऐसे में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा ये बंद की कॉल दी गई, हालांकि और भी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें समर्थन कर रही हैं, जिस तरह आज कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया और भी पॉलिटिकल पार्टीज इसका समर्थन कर रही हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का क्या इसके ऊपर टेक है, और कल क्योंकि जो कॉल दी गई है बंद की उसमें चक्का जाम रहेगा या नहीं रहेगा, इसके ऊपर अभी भी कन्फ्यूजन बरकरार है। और हमारे साथ ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं विजय चिब, जिनसे हम अक्सर बात करते हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या टेक है इसके ऊपर। विजय जी, जिस तरह कॉल बंद की कॉल दी गई है, बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं खासतौर पर ट्रेडर्स, वो परेशान हैं और उनका कड़ा विरोध है और बंद की कॉल दी गई है। ट्रांसपोर्टर्स का क्या स्टैंड है इसके ऊपर, कल क्या ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन अभी भी बरकरार है। देखिए, पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से ही जो सच्चाई होती है वो सामने आती है। तो आपके माध्यम से इस चीज़ का भी पता चलना चाहिए लोगों को कि कल जो गाड़ियाँ बंद रहेंगी या चलेंगी। तो देखिए, बड़े अफसोस के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि 2 और 3 तारीख की रात में, जब हमारे जो बब्बर शेर के नाम से जो जाने जाते थे वज़ीर साहब, उनकी डेथ हो गई। तो क्योंकि उससे पहले 4 दिन पहले हमारी टीम वज़ीर साहब से मिली थी, और वज़ीर साहब ने हमें कहा था, जैसा मैंने पहले भी कई चैनलों में कहा, कि मैं महीने के लिए कनाडा जा रहा हूं। तो आप देखिए, जब हमें पता चला तकरीबन 8 तारीख को, 7 तारीख और 8 तारीख के बीच में, कि उनकी डेथ हो गई है। देखिए, 75,000 कमर्शियल व्हीकल्स है जो हमारी स्टेट को कवर करती है, चाहे वो कश्मीर में और लखनपुर से लेके लद्दाख तक। तो आज वो जो हमारा जोधा था, जो जम्मू का ट्रांसपोर्टरों का बब्बर शेर था, वो ही नहीं रहा। तो हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे उसमें बसेस है, मेटाटोर्स है, ऑटो है, ऑयल टैंकर्स हैं, ट्रक्स हैं, तो एक कमेटी है हमारी। अभी जो वो कमेटी है, अभी हमारा, आप देखिए, जिसके घर में, जिसका, जैसा मैंने कहा, वज़ीर साहब हमारे छाता थे, वही, और बीच में ये अभी उनके 10-12 दिन ही हुए हैं। तो आप देखिए, संस्कार हुए अभी मुश्किल से 10 दिन हुए हैं। मुझे बताइए, क्या आज हम इस उस एजिटेशन में जा सकते हैं? दूसरा, इन्होंने जब ये डिसीज़न लिया, तो मुझे इस चीज़ का भी अफसोस है कि कम से कम ट्रांसपोर्टरों से सलाह मशवरा किया जाता। यानी कि सलाह मशवरा नहीं, बिल्कुल नहीं, इन्होंने अपना फैसला करके हम पे थोप दिया। जनाब, अगर आप सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने जैसा पहले भी कहा है कि चैम्बर को हम बड़ा भाई मानते थे, और चैम्बर और ट्रांसपोर्ट और बार जब मिलके चलेंगे तो किसी गवर्नमेंट की ताकत नहीं है कि हमारी मांग वो नहीं माने। लेकिन इन्होंने कल ही हमें बताया कि हम 22 को चक्का जाम कर रहे हैं। मुझे बताइए जनाब, हमारी इतनी बड़ी ट्रांसपोर्ट है, कश्मीर के नेता हैं ट्रांसपोर्टरों के, जम्मू के हैं, एक कमेटी है हमारी, जब तक वो बैठ के डिसीजन नहीं लेगी तो खाली विजय सिंह थोड़ी डिसीजन ले लेगा, जहाँ कोई और ग्रुप का कोई प्रधान नहीं। पहले हमारा छाता थे वज़ीर साहब, वो सबकी राय लेते थे, आज हमारा छाता नहीं है। इसलिए इस जल्दबाजी में मैं आपके माध्यम से आम जनता को भी बताना चाहूँगा, और ख़ासकर मेरे जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, क्योंकि इस बंद में अभी तक हमारा कोई डिसीजन नहीं हुआ और कोई कमेटी नहीं हमारी बैठी, इसलिए इस बंद से फिलहाल हम बाहर हैं। चैम्बर को, जैसा मैंने कहा, हम बड़ा भाई मानते हैं, उसको चाहिए है कि पहले सबको मिला के बैठ के, पॉलिटिकल लोग तो आपने देखा होगा, पिछले जब 63 दिन बम बोले हुआ था, तो ट्रांसपोर्टरों ने 63 दिन गाड़ियां बंद रखी थी। उसके बाद जब एम्स का मसला आया, तो वज़ीर साहब ने आगे रह के, तो हमारी वो पूरा बंद रहा और हमने एम्स लोगों को लेके दिखाया। आज बहुत
ये जो जाती हो रही है जो छोटे दुकानदारों के साथ, जो जैसा रिलायंस, जनाब अभी क्या हुआ है? इससे पहले क्या वाइन ट्रेड के साथ नहीं हुआ? ये अभी तो जैसा वो बोलते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो अभी ये जो बहुत कुछ आने वाला है, जब तक लोग जम्मू कश्मीर के नहीं इकट्ठा होंगे, मुझे नहीं लगता किसी को कोई मिलने वाला कुछ है। जी, आपने यूनाइट होने की बात की साफ़ और साफ, और हर कोई व्यक्ति यूनाइट होने की ही बात कर रहा है। ट्रांसपोर्टर का दर्द किस तरह का, क्या ट्रांसपोर्टर रिवाइव हो पाया? जब कोरोना रहा तो लॉसेज हुए, उसमें रिवाइवल हो पाया ट्रांसपोर्टर? देखिए, मुझे लगता है आपने काफ़ी सारे इंटरव्यू मेरे से उस टाइम भी किए हैं, 2020 में, जब इस कोरोना महामारी में हम लोग मर चुके हैं। ट्रांसपोर्टरों का अगर दर्द किसी को दिखा, वो वजीर साहब थे, जब हम उनके पास जाते थे तो अपना दुखड़ा सुनाते थे, तो वो हम आगे रहते थे। आप मुझे बताइए, 2020 से लेके अब 21 ख़त्म होने वाला है, ट्रांसपोर्टरों की इतनी बुरी हालात है अभी, ये तो इनको रिलायंस और मॉड की पड़ी हुई है। आप मुझे बताइए जनाब, हम 2 सालों से पिस रहे हैं, जिसमें हमारे बैंक के कर्ज हैं, जिसमें हमारा ड्राइवर और कंडक्टर भुखमरी की तरफ गया, लोगों ने, किसी ने बेचारे ने रेडी सब्जी ऐसा कुछ करके उन्होंने बच्चों का पेट पाला, क्या सरकार ने हमें वहाँ, क्या वो हमारा दर्द नहीं था? इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं फिर एक बार जरूर कहूँगा, जितने भी चाहे बुद्धिजीवी लोग हैं जम्मू कश्मीर के, जब तक ये इकट्ठा नहीं, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, ऐसा ही होता रहेगा और होता रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जम्मू परिवर्तन से बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ विजय चिब इस समय बातचीत में मौजूद थे, और हर कोई व्यक्ति ये सवाल पूछ रहा है कि कल बंद तो है लेकिन ट्रांसपोर्ट का क्या है, चलेगा या नहीं चलेगा? तो साफ तौर पर हम बता दें कि कल पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, और पूरी तरह से विजय चिब ने बताया कि वजह क्या है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को बड़ा भाई ये मानते हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा भाई मानती है, लेकिन इनकी कुछ शिकायतें हैं, कुछ नाराजगियां हैं। चलिए, वो बेटर है कि ये खुद अपने लेवल पे ही उसको सॉर्ट आउट करें, और हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक पल पल का अपडेट पहुंचाते रहें। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।